Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of March 2019. So 3 March 2019 ka news analysis dekhte hain. Before we start, these are the questions for you today. The first question is, consider the following statements about Bombay Natural History Society. So BNHS ke regarding kaun kaun se statements sahi aapko batana hai. First is, it is a partner of Bird Life International in India. Second statement is saying that it is selected as an envis center for avian ecology and inland wetland. So you have to tell which of the following statements are correct. One only, two only, both or none. Question number two is, consider the following statements about Parker Solar Probe. So Parker Solar Probe ke regarding kaun kaun se statements sahi hai. Statement one is saying that it's a joint mission by NASA and SpaceX. Statement two is saying that it will trace the flow of energy that heats and accelerates the solar corona and solar wind. Third statement saying that it is launched by Falcon Heavy. So you have to tell which of the following statements are correct. One and two only, one and three only, yeah, all of the above. Question number three is, pension adalats are organized by. So pension adalat in mein se kaun organize karta? Options are A, Ministry of Commerce and Industry, B, Ministry of Personal and Public Grievances, third is Ministry of Corporate Affairs, or D, Niti Aayog. So which of the following are correct regarding that? So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. आज संडे है, काफ़ी बड़ा अखबार था, न्यूज़पेपर विद मैगजीन भी 31 पेजेस की थी. सो देखो, न्यूज़ भले चार पांच रही हो, बट 31 पेजेस वी हैव टू स्क्रॉल डाउन, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट वी विल बी कवरिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर. इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड द लिंक टू गेट आर PDF एज वेल एज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके, तो आप उसको ज्वाइन करिए, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग आइदर अ ग्रुप और चैनल इन टेलीग्राम ऑल्सो, सो वी विल बी इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट सून. ओके, बट अभी इंस्टाग्राम पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप उसको कर सकते हैं. देयर आर क्वेश्चंस एंड नोट्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड एंड शेयर्ड देयर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. द फर्स्ट न्यूज कमिंग इज, सोल्जर्स फ्रॉम असम विलेज फाइट अ बैटल ऑन द होम फ्रंट टू. अब ये बेसिकली एक विलेज का नाम है जिसका नाम है सारू हरीद. ओके, सो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट इन असम, वहां पे सारू हरीद नाम का एक विलेज है विच इज 145 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गुवाहाटी. इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द विलेज ऑफ फौजीज. ओके, विलेज ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है इसको, विलेज ऑफ फौजीज कहा जाता है. नाम याद रखिएगा, सारू हरीद. ओके, सारू हरीद इज द विलेज नेम, एंड बरपेटा डिस्ट्रिक्ट असम में ये आता है, सारू हरीद. अब इसको कहा जाता है विलेज ऑफ फौजीज. अब यहाँ पे क्यों कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे 6000 की पॉपुलेशन है लगभग इस विलेज की, एंड वहाँ से हर साल लगभग बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करते हैं आपका आर्मी को ज्वाइन करते हैं. बट बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि दे आर स्टिल कंसिडर्ड आउटसाइडर, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिटीजन्स ऑफ दैट प्लेस, एंड उनको अपनी मतलब उनको फॉरनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है. स्टिल दे आर बीइंग ट्रीटेड एज फॉरनर्स, इसीलिए लिखा गया है कि दे आर फाइटिंग अ बैटल इन द होम फ्रंट टू. मतलब वो बॉर्डर में तो लड़ ही रहे हैं, BSF, CRPF इन सब जैसे फोर्सेज में तो वो हैं ही, लेकिन वो घर में भी एक बैटल लड़ रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए. इवन इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में भी इनको बिल्कुल वो नहीं दिया गया. तो बेसिकली दैट इज द इशू, और इनको दोनों जगह बेसिकली इसीलिए कहा गया है कि बैटल फेस करना पड़ता है एंड उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन द न्यूज आइटम. लेकिन ये नाम याद रखिएगा, सारू हरी, जिसको बोला जाता है विलेज ऑफ फौजीज. ओके, विलेज ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है, असम में है. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम देयर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. बेसिकली यहाँ पे एक और न्यूज थी, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे है. इंडिया रिबफ्स रशिया ऑर्डर ऑफर ऑफ मीडिएशन. तो रशिया ने बेसिकली बोला कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चाहते हैं कि टेंशन कम हो, आप बोलो तो हम मीडिएट करें. बट इंडिया हैज़ रिबफ्ड दैट. इंडिया ने किसी भी ऐसे ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि इंडिया ने हमेशा हिस्ट्री में क्या रखा है, इंडिया हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी मैनेज्ड बायलेटरली. मतलब ये दोनों कंट्री मिलकर ही इन सारे डिस्प्यूट्स को खत्म करेंगी. दे डू नॉट वॉन्ट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड पावर्स. वो कोई भी आउटसाइड पावर का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं. तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज देयर. ओके, आगे मूव करते हैं आगे की तरफ. कोई न्यूज आइटम रहा हो तो देखो, एड आज तो भयानक एड आए थे. देखो, क्लासीफाइड आया, फिर ये भी आपको एड ही दिख रहा होगा, कौन कौन से लोग हैं. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हियरिंग डे March 3rd, तो ये देख लेना वर्ल्ड हियरिंग डे. अगर आपको सुनाई दे रहा है तो सही है, सब कुछ दिक्कत नहीं है. ये भी ऐड ही है.
ओके सो अब हम आ जाते हैं इस पेज पे. दिल्ली टू हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इन द कंट्री. तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली की जो कैबिनेट उसने अप्रूव किया है 1000 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसेस. तो मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा होने वाला है न्यू दिल्ली का भी. अब 1000 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पे लाई जाएंगी. और क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली, तो रिड्यूस एयर पोल्यूशन. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस जब आएंगी तो वहाँ पे क्या उनकी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक होने के कारण थोड़ा सा पोल्यूशन कम करेंगे, जो एमिशन होगा उसको कम करेंगे, एंड दे विल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. ओके सो दैट इज़ द थिंग व्हाई दीज इलेक्ट्रिक बसेज आर बीइंग इन्वॉल्व्ड देयर. और एक फेम स्कीम तो ज़रूर याद रखिएगा, फेम स्कीम आपको पता होनी चाहिए है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो इंपॉर्टेंट याद रखेगा. नाउ कोर्ट समन्स जयराम रमेश फॉर डिफेमेशन केस. तो अब डिफेमेशन के बारे में सब कुछ ही देख लेंगे अभी. बेसिकली अपन डिफेमेशन के दो सेक्शन होते हैं. देखो बेसिकली डिफेमेशन के दो सेक्शन है. एक है सेक्शन 499 जिसमें डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज डिफेमेशन. सेक्शन 499 ऑफ व्हाट, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी. ओके इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 499 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी ये बताता है कि डिफेमेशन क्या है. मतलब whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person. मतलब आप कुछ ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई लोग उस चीज़ को ऐसे पढ़े जिसके कारण किसी दूसरे की जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुँचे, आप ऐसा अगर विलफुली करते हैं, then that is known as defamation. ओके तो उसको कहा जाता है defamation, ये याद रखेगा. उसकी जो punishment है basically वो section 500 of IPC में दी गई है. तो section 500 of IPC बोलता है कि whoever defames another shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 2 years. एक ऐसी punishment जो कि 2 साल तक extend की जा सकती है, और फाइन और विद बोथ. तो या तो 2 साल तक की आपको पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब 2 साल से कम भी दी जा सकती है, 2 साल तक दी जा सकती है, प्लस आपको फाइन लगा सकते हैं, या फिर आपको दोनों ही लगा सकते हैं. तो इन इंडिया डिफेमेशन इज बोथ अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस. तो इंडिया में सिविल डिफेमेशन भी है और क्रिमिनल डिफेमेशन भी है. इसके ऊपर बहुत डिबेट चलता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन होना चाहिए कि नहीं, कि केवल इसको सिविल डिफेमेशन पे तक ही सीमित रखें, तक ही लिमिटेड रखें. तो काफ़ी डिबेट इस पे चलता है. ओके बट इंडिया में अभी दोनों ही है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल है. सिविल और क्रिमिनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली दोनों की पनिशमेंट में डिफरेंस होता है. जैसे कि क्रिमिनल में आपको जेल टर्म भी दी जाएगी, और आपको हो सकता है फाइन भी लगा दिया जाए, मतलब जेल टर्म प्लस फाइन, या फिर जेल टर्म दे दिया जाएगा क्रिमिनल डिफेमेशन में. इन सिविल डिफेमेशन आपको जो है वो ज़्यादातर आपको फाइंस लगाए जाते हैं. ओके तो केवल मॉनेटरी जो आपका लॉस होता है जब, तो केवल वो सिविल में आता है, और जब क्रिमिनल हो जाएगा तो फिर आपको पनिशमेंट यानी कि जेल टर्म भी दिया जाएगा. सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द डिफरेंस. आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी. सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा. ओके आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या न्यूज़ है. ओके ये आपको दिख रहा होगा, सजे सजे लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं ना. बेसिकली दिस इज हम्पी उत्सव. हम्पी उत्सव बेसिकली इज नोन एज विजय उत्सव. ओके तो हम्पी उत्सव को भी विजय उत्सव भी बोलते हैं. तो एक ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद ही रखिएगा. और हम्पी जो है वो बहुत फेमस जगह है. बहुत फेमस जगह क्यों है, बिकॉज इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, फॉर्मर कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट साइट्स इन इंडिया. हम्पी इज अ टेम्पल टाउन लोकेटेड इन द रूइंस ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर, विच अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इज द लास्ट कैपिटल ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन कर्नाटका. तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये लास्ट कैपिटल है ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन कर्नाटका. तो लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन कर्नाटका विजयनगर, उसकी कैपिटल थी हम्पी, याद रखिएगा, यूनेस्को ने कहा है. विरूपक्ष टेंपल भी यहां पे लोकेटेड है, विरूपक्ष टेंपल. हम्पी किसकी कैपिटल थी, विजयनगर की. यूनेस्को के अकॉर्डिंग लास्ट कैपिटल ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन कर्नाटका है ये, एंड विरूपक्ष टेंपल भी यहीं लोकेटेड है. तो ये भी आपको याद रखना है. अब रूल ऑन रीयूज ऑफ कुकिंग ऑयल किक्स इन टुडे. तो बेसिकली आज से एक रूल जो FSSAI ने निकाला था रिगार्डिंग द कुकिंग ऑयल, ये रूल क्या था बेसिकली, कि ऑल द जो जितने भी फूड ये बनाने वाले हैं
उनको जिनका कंजम्पशन एडिबल ऑयल का फ्राइंग के लिए इज मोर देन 50 लीटर्स, जिनका कंजम्पशन क्या है मोर देन 50 लीटर्स है, ओके, बेसिकली हैविंग कंजम्पशन ऑफ मोर देन 50 लीटर्स, दे विल नाउ डेली मेंटेन रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग डेट, नेम ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल टेकन फॉर फ्राइंग एंड क्वांटिटी डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द डे एंड डेट एंड मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. दिस इज वॉट FSSAI हैज सेड कि जो भी लोग, जो भी ऐसे ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, FBO का मतलब होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिनका जो कंजम्पशन है एडिबल ऑयल का दैट इज मोर देन 50 लीटर्स अ डे, तो उनको पूरा मेंटेन करने पड़ेगा कि कौन सा ऑयल यूज किया, कितना ऑयल यूज किया, कितना डिस्कार्ड कर दिया, किस क्वालिटी का ऑयल था, ये सारा डेटा उनको मेंटेन करना पड़ेगा. FSSAI के बारे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, एंड ये ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006. तो किस एक्ट के अंतर्गत ये बनाई गई थी, ये बनाई गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 and it is responsible for protecting and promoting the public health through the regulators and supervision of food safety. तो food safety के ऊपर regulate करती है, उसको supervision करती है, monitoring करती है और maintain करती है कि अच्छा, अच्छी quality का food, ये सब standard safety maintain रहे. Act याद रखिएगा, food safety and standards act of 2006 याद रखिएगा, it's a autonomous body, statutory body और under the ministry of health and family welfare. बहुत सारे important points बताए मैंने आपको, याद रखिएगा. एक और fact बताता हूँ, कर्नाटका is the first state to have बायो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड. याद रखिएगा, कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ बायो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, याद रखिएगा. अब ये रियूको याद रखिएगा जरूर, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, मतलब कुकिंग ऑयल को किस तरीके से आप यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, उसके ऊपर ये है रियूको. अगर कोई पूछता है रियूको किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा कुकिंग ऑयल से रिलेटेड है, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस न्यूज आइटम. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दैट. कन्याश्री स्कीम के बारे में लिखा हुआ था, तो कन्याश्री स्कीम के बारे में बता देता हूँ. कन्याश्री स्कीम इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्कीम. तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने यह स्कीम निकाली थी, कन्याश्री प्रकल्पा. ओके, कन्याश्री प्रकल्पा स्कीम. तो इट्स अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम. तो ये क्यों लाई गई है बेसिकली वेस्ट बंगाल में, कन्याश्री स्कीम, फॉर द वेलबींग ऑफ गर्ल चाइल्ड. याद रखिए, गर्ल चाइल्ड के लिए लाई गई है, ताकि उसका स्कूलिंग हो सके. उसको अगर आप पढ़ा रहे हैं और अगर आप उसकी मैरिज 18 साल के बाद कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस कन्याश्री प्रकल्प स्कीम. इट्स अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम. तो कंडीशन क्या है, कि आपको अपनी बेटी को पढ़ाना है और 18 साल के बाद उसकी शादी करनी है. तो दिस इज द स्कीम विच इज देयर इन वेस्ट बंगाल, कन्याश्री प्रकल्प. 2013 में लॉन्च हुई थी, इट वॉज लॉन्च इन 2013. याद रखिएगा कब लॉन्च की गई थी, 2013 में लॉन्च की गई थी. एंड इसमें दो कैटेगरी हैं, बेसिकली टू कैटेगरीज आर देयर. पहली है K1 कैटेगरी, जिसमें 750 रुपीज़ एनुअली पे किए जाते हैं, 750 रुपये एनुअली पे किए जाते हैं. देखो, जब ये स्टार्ट हुई थी स्कीम तो 500 रुपये था, लेकिन बढ़ा करके अब इसको 750 रुपये कर दिया गया. तो K1 कैटेगरी में 750 रुपये एनुअली पे किया जाता है 18 साल तक, मतलब 13 से 18 साल तक की एज ग्रुप में. और जब 18 साल की हो जाती है लड़की K2 ग्रुप में, तो वन टाइम ग्रांट ऑफ 25,000 रुपीज़ इज गिवन. तो 25,000 रुपये की ग्रांट दी जाती है आफ्टर 25 ईयर्स, एंड ये जब लड़की 18 की हो जाएगी तब दी जाएगी. तो बेसिकली K1 K2 कैटेगरी आपने देख ली. एक और स्कीम का नाम आया है वेस्ट बंगाल की, स्वयं सिद्धा स्कीम. स्वयं सिद्धा स्कीम बेसिकली टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए. और इसमें एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया, जिसमें लड़कियां अगर उनको कोई स्टॉक कर रहा है स्कूल में, या इन सब की इंफॉर्मेशन डाल सकती हैं. ओके, तो स्वयं सिद्धा कहते हैं इसको, स्वयं सिद्धा स्कीम, एंड इट इज़ टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग. ये नाम याद रखेगा, स्वयं सिद्धा, एंड इट इज़ टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ओके, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब यहाँ पे तो कश्मीर के बच्चे हैं, आई थिंक. अब याद इसको आगे देखते हैं क्या क्या और फैक्ट हैं, कोई और न्यूज़ है क्या इंपॉर्टेंट, देखते हैं आगे. ओके, इसकी वी कैन मूव टू द सेकंड पेपर. नहीं, समझौता एक्सप्रेस के बारे में. तो समझौता एक्सप्रेस आपको पता ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समझौता एक्सप्रेस की जो सर्विसेज हैं, दोबारा से इसको रिस्टोर कर दिया गया, सो दैट इज़ द थिंग. ओके, तो समझौता एक्सप्रेस ज़रूर याद रखेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है. ओके, और मैत्री एक्सप्रेस इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच की है, तो मैत्री भी हमको पता है.
Now UNSC has blacklisted Osama's son. तो ओसामा का जो बेटा था जिसको हमजा बोलते हैं, हमजा बिन लादेन, तो हमजा बिन लादेन को वो ऐसा माना जा रहा है UNSC के अकॉर्डिंग दैट ही इज़ द मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल हेयर टू दैट अलकायदा, अलकायदा को लीड करेगा अभी हमजा बिन लादेन, तो इसलिए उसके ऊपर $1 million का प्राइज़ भी रखा गया है. ओके, रिवॉर्ड ऑफ अप टू $1 million फॉर हिज इंफॉर्मेशन. एंड UNSC ने जो उसका रेजोल्यूशन 1267 ISIS के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग इनको घोषित किया है एंड ही हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड. याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अलकायदा को लीड करने वाले हैं ये शायद हमजा बिन लादेन. ओके, तो इसके ऊपर $1 million का रिवॉर्ड भी रखा गया है. ओके, तो अब USA है तो पकड़ ही लेगा, नहीं तो जैसे ओसामा के साथ किया था वैसा कर सकता है. एनीथिंग इज़ पॉसिबल विद अमेरिका. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है. ओके, RCEP, तो RCEP न्यूज़ में था तो एक बार फिर से देख लेते हैं. RCEP स्टैंड्स फॉर बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. याद रखिएगा RCEP का मतलब क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एंड इट्स अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. क्या है ये, इट्स अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ओके, तो आसियान नेशंस बेसिकली 10 मेंबर होते हैं आसियान के अंदर. अपन पहले उनके नाम देख लेते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम. ओके, तो ये 10 नेशंस हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान कहलाते हैं. फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम. इसके अलावा 6 और मेंबर हैं. अब देखो आसियान प्लस 6 है, आरसीपी का मतलब आसियान प्लस 6 हो गया. अब प्लस 6 में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड. अब आपको एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूं, यहां पे लोग जो जिसमें कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा RCEP में USA और रशिया दोनों नहीं है. बस अगर आपने ये कंसेप्ट याद रख लिया तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बेसिकली कन्फ्यूजन होता है USA और रशिया में. ओके, तो याद रखिएगा RCEP में ना ही USA है ना ही रशिया है, और इंडिया चाइना दोनों है. ओके, इंडिया चाइना दोनों है. अगर आपने ये दो चीज़ें याद रख ली तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि मेंबरशिप रिलेटेड क्वेश्चन अगर RCEP का आता है ज़रूर कर लेंगे. ओके, क्योंकि ये एलिमिनेशन से हो ही जाएगा अगर आपको याद रखिए इंडिया और चाइना दोनों है और रशिया और USA दोनों नहीं है. तो RCEP के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ओके, अब आगे की तरफ देखते हैं क्या कुछ और न्यूज़ आइटम है. स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है. स्पेस एक्स एस्ट्रोनॉट कैप्सूल लॉन्च्ड ऑन ISS यानी कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ के लिए एक स्पेस एस्ट्रोनॉट कैप्सूल लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, जिसका नाम उन्होंने रखा है ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम है रिपली. ओके, तो ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है. एंड कहाँ के लिए लॉन्च किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया है. ओके, सो ड्रैगन कैप्सूल जिसमें एक ऑक्यूपेंट भी है. ओके, ओनली वन ऑक्यूपेंट इज देयर. याद रखिएगा ये SpaceX का है क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम है रिपली. ओके, इसका नाम क्या रखा गया है, रिपली नाम रखा गया है. एंड रिपली किसके ऊपर रखा गया है, तो बेसिकली सिगुर्नी वीवर के ऊपर ये नाम रखा गया है, सिगुर्नी वीवर, क्योंकि ये प्ले करते हैं एलियन मूवीज में रिपली कैरेक्टर का नाम, तो दैट इज इन हिज ऑनर, सिगुर्नी वीवर के नाम पे याद रखिएगा. और SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम रिपली रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया. एलन मस्क की कंपनी है, तो ये भी याद रखिएगा एलन मस्क की है. ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पेपर. ओके, तो पहले न्यूज़पेपर से तो आपको यही सारे फैक्ट्स जरूरी थे. आई होप अब आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज़पेपर नाउ. ओके, अगले न्यूज़पेपर की तरफ मूव करते हैं जो कि मैगजीन है. आज मैगजीन मतलब 31 पेज की थी, और फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक फोटोग्राफ दिख रही होगी. बेसिकली ये केरला के थेयाम फेस्टिवल के लिए तैयारी की जा रही है. तो अब बता देता हूँ पहले केरला का थेयाम. ओके, थेयाम क्या होता है, इसको थेयट्टम भी बोलते हैं, थेयाम या थेयट्टम. इट्स अ पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप इन केरला. ओके, पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप इन केरला. तो आप देख लीजिए एक बार फिर से फोटोग्राफ देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ. ये थेयाम है या थेयट्टम बोलते हैं केरला में, इसको एक पॉपुलर तरीके का वर्शिप का फॉर्म है. ओके, रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप इन केरला. ओके, थेयट्टम, थेयाम. ओके, अब इसके बाद एक और चीज़ न्यूज़ में थी, वो थी सैक्रेड ग्रूव. ओके, तो सैक्रेड ग्रूव क्या होता है, बेसिकली सैक्रेड ग्रूव या सैक्रेड वुड बोला जाता है एक ऐसे ग्रूव ऑफ ट्रीज को दैट आर स्पेशल हैविंग स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस. जैसे कुछ पेड़ों को आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी आपका कोई अगर पर्टिकुलर रिलीजन है या उसमें है तो कुछ पेड़ों को भी एक स्पेशल रिलीजियस वैल्यू दी जाती है. ओके, रिलीजियस वैल्यू मतलब जैसे सपोज पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की हाई वर्शिप वैल्यू रहती है, उसके लोग
पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो ऐसे इस तरह के जो पेड़ होते हैं, इस तरह के जो वुड्स होते हैं, उनको सैक्रेड ग्रूव कहा जाता है। एंड सैक्रेड ग्रूव इज अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन, मतलब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का एक मेथड भी है सैक्रेड ग्रूव अपने आप में। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप ट्रीज प्रोटेक्ट करते हो, उसको कटने नहीं देते हो, और उनको काटना ऐसा माना जाता है कि पाप है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा सैक्रेड ग्रूव के रिगार्डिंग। अब सैक्रेड ग्रूव केरला में कहलाते हैं अयप्पन कावू या शस्थन कावू, भगवती कावू या अम्मान कावू। याद रखिएगा ये सारे नाम है, चीमा ये नाम है, लोकली नेम है अयप्पन कावू। जैसे अयप्पन कावू होगा जो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है, शस्थान कावू जो शास्थान को डेडिकेटेड है, भगवती कावू जो भगवती को डेडिकेटेड है, अम्मान कावू जो अम्मान को डेडिकेटेड है। तो किस डीटी को डेडिकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसका नाम होगा सैक्रेड ग्रूव का। ओके, सो आई होप आपको थेयट्टम भी समझ में आ गया होगा, थेयट्टम या थेयाम, और दूसरा चीज आपको सैक्रेड ग्रूव का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, सो अब जो है ये बेसिकली ऑस्कर वास्कर का है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था, तो कोई इंपॉर्टेंट कम ही चीज थी, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना तो अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ता। ओके, और बांदीपुर फॉरेस्ट के ऊपर पूरा लिखा गया है कि बांदीपुर फॉरेस्ट में क्या आर बांदीपुर फॉरेस्ट एसेस्टिबल की नहीं है। तो बांदीपुर के बारे में याद रखिएगा, इट्स अ ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। ओके, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है इसको ये कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इट इज़ नो स्ट्रेंजर टू फायर्स, मतलब इसमें फायर्स होते रहते हैं, याद रखिएगा ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। बांदीपुर कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में है, ये भी है कि याद रखिएगा। एंड ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर का। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये याद रखिएगा, आपका क्या है ये इसमें बेसिकली, इट्स हैविंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन एज वेल। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स भी है, टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। ओके, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का फॉरेस्ट है, तो याद रखिएगा ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। लो डाउन ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली उसी के ऊपर है जो हमने बोला था एविक्शन के ऊपर, कि उनको एविक्ट किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, उसके बाद सेंटर ने उनको मना किया, और वो सारी चीज़ें फिर उन्होंने रिपीट की, उन्होंने उसको अभी उसके ऊपर स्टे लगाया है। ग्रूव्स, ये थेयाम और उसी के ऊपर है, ग्रूव्स के ऊपर ही है ना। एंड यहाँ पे बेसिकली वेयर हैव माई ग्रूव्स गॉन, बेसिकली उसके ऊपर है कि जो ग्रूव्स भी थे, सैक्रेड ग्रूव्स थे, उनको भी काटा जाने लगा है बेसिकली, क्योंकि ज़रूरत है लैंड की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अब उस लैंड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको भी काटा जाने लगा है। तो वही है कि अब जो ग्रूव्स हैं वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये वेस्ट बंगाल में पता नहीं क्या हुआ है, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग मुझे बंगाली भी नहीं समझ में आती है ना। एंड वैसे बंगाली एक अच्छी लैंग्वेज है, आई थिंक मुझे भी लैंग्वेजेस का ऐसे इंटरेस्ट है मुझे, पर सीख नहीं पाता मैं। इंटरेस्ट है पर सीख नहीं पाता। ओके, सो आगे मूव करते हैं, तो इतना छोटा छोटा लिखा है। हाँ, नाउ दिस न्यूज़, क्लाउड वेपराइजिंग, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी मैंने आपको 4-5 दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो, तो स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में बताया था, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मैरीन क्लाउड्स रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट होने से बचाते हैं। ओके, मतलब क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट। ओके, रिफ्लेक्ट बैक द सनलाइट, एंड हार्मफुल जो वेव्स हैं, रेज हैं, और जो हीट रेज हैं, उनको क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं टू द स्पेस, एंड देयरफॉर दे प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बीइंग टर्न्ड इनटू हॉट हाउस अर्थ, हॉट हाउस अर्थ बनने से रोक देते हैं। तो अब बेसिकली अभी रिसेंटली की स्टडी हुई थी उसी स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स के बारे में है, कि जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, देन दीज क्लाउड्स गेट वेपराइज्ड, जिसको बोलते हैं क्लाउड वेपराइजिंग। ओके, दीज क्लाउड्स गेट डिस्पर्स्ड, दीज क्लाउड्स गेट वेपराइज्ड, जिसको बोलते हैं क्लाउड वेपराइजिंग, और इससे जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ सकता है बाय 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ सकता है। एंड इसको, इसके कारण जो हमारी अर्थ है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हॉट हाउस अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करें, रोकें, याद रखिएगा। अल्जीमर के बारे में था, तो अल्जीमर किस तरीके की डिसीज़ है आपको बता देता हूँ। अल्जीमर डिसीज बेसिकली कॉजेज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स दैट लीड टू मेमोरी लॉस एंड डिक्लाइन ऑफ अदर थिंकिंग स्किल्स। तो कॉग्निटिव स्किल्स या थिंकिंग स्किल्स या आपकी अगर ब्रेन सेल्स का लॉस हो जाएगा प्रोग्रेसिव, तो वो कहलाएगा अल्जीमर डिसीज, अल्जीमर कहते हैं इसको। एंड मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन आर द मेन सिम्टम्स। इनके मेन सिम्टम्स क्या है, मेमोरी लॉस एंड
आपका कन्फ्यूजन एंड नो क्योर एग्जिस्ट. कोई क्योर इसका है नहीं बेसिकली, बट प्रॉपर मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में टेम्पोरारिली इंप्रूव सिम्टम्स. ओके, तो सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं आप, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है अल्जीमर का. एंड याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स दैट लीड टू मेमोरी लॉस एंड डिक्लाइन ऑफ अदर थिंकिंग फंक्शंस. तो ये याद रखिएगा रिगार्डिंग अल्जीमर. तो ये थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, वो भी देख रहे हैं अपन. पीजो इलेक्ट्रिक, अब बेसिकली मल्टीपर्पज पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर फैब्रिकेट किया गया है. तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है बेसिकली, प्रिंसिपल क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है. इन सर्टेन मटेरियल्स जब आप प्रेशर चेंज करते हो, व्हेन यू अप्लाई सम प्रेशर मैकेनिकल स्ट्रेस, व्हेन यू अप्लाई दैट मैकेनिकल स्ट्रेस, देन दीज स्पेशल मटेरियल्स दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल यही है कि जब आप उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका वोल्टेज यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा बेसिकली. ओके, तो क्वार्ट्ज जैसे कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है. ओके, उसका यूज़ किया जाता है, घड़ी में आपका यूज़ होता है बेसिकली. ये प्रिंसिपल जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये घड़ी में बहुत यूज़ होता है, वॉचेस में. ओके, एंड वही इसका यूज़ करके एक मल्टीपर्पज नैनो जनरेटर बनाया गया है, विच इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, जैसे कि मैकेनिकल, एकाउस्टिक, विंड. इन सभी के उसके प्रेशर को यूज़ करके ये कन्वर्ट करता है, एंड इट हैज़ अ हाई रिमार्केबल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ 62%. ओके, तो आईआईटी कानपुर में हुआ है ये, और इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 62% के आसपास है. एंड पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर याद रखिएगा, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, मैकेनिकल, एकाउस्टिक एंड विंड सोर्सेज एज वेल. ओके, तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रिंसिपल है मैं बता देना, जब आप प्रेशर चेंज करोगे, जब आप उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस लगाओगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जैसे कि क्वार्ट्ज एंड ऑल. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे ली कॉर्बूजियर के बारे में आया था, द फर्स्ट सिटी ली कॉर्बूजियर डिजाइंड. तो बेसिकली 50 साल से ऊपर होने को आ गया है, जब स्विस फ्रेंच अर्बन प्लानर थे, इनका नाम था स्विच, ये थे स्विस फ्रेंच यानी कि स्विट्जरलैंड और फ्रेंच के उसके थे, अर्बन प्लानर थे ये, इनका नाम था ली कॉर्बूजियर, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया. ओके, तो चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय ली कॉर्बूजियर एंड स्विस फ्रेंच प्लानर थे ये, इनका नाम याद रखेगा. एंड ये जो सिटी है अभी भी एक एग्जाम्पल सेट करती है, चंडीगढ़ आज भी स्टिल इट सेट्स एन एग्जाम्पल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है ये. एंड स्विस फ्रेंच अर्बन प्लानर ली कॉर्बूजियर याद रखिएगा, चंडीगढ़ को इन्होंने प्लान किया था और 50 साल से ऊपर होने को आ गए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे द फ्रेंडली हायर, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म लिखा था. तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आपके एथिक्स का एक टॉपिक है, प्रॉपर टॉपिक एथिक्स में, और हर साल एक क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर. अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है कि फर्स्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा इमोशन है. देन नॉट ओनली जस्ट अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन ऑल्सो, दूसरे सामने वाले. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आप उसके हेड हैं, तो आपको अपने इंप्लॉयज, जो आपके इंप्लॉयज हैं बेसिकली, उनके आपको इमोशन समझने चाहिए. देन तीसरा चीज है, ये होना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप क्या उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, कि यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और नॉट. मतलब आपको पता है कि आप खुश हैं, लेकिन आपको अपनी खुशी को भी कंट्रोल करना चाहिए, आपको दुख है तो आपको दुख को भी कंट्रोल करना चाहिए. तो वेदर यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और नॉट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अंडर दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. तो यही याद रखना कि इमोशनल इंटेलिजेंस वही होता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग समवन एल्सेस इमोशन, देन यू कैन कंट्रोल योर एज वेल एज अदर पर्सन इमोशन, क्योंकि आप उसको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उसके इमोशंस को उसकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, ना कि उसकी वीकनेस बनने दें. तो बेसिकली ऑल दीज कंसेप्ट कम अंडर द इमोशनल इंटेलिजेंस. आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक डेनियल गोलमैन की बुक आती है, देर इज अ बुक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन, आई हैव रेड दैट बुक, दैट इज दैट इमेंसली हेल्पफुल बुक. ओके, आप उसको एग्जाम पर्पज से ना भी पढ़ें तो आप उसको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए पढ़ सकते हैं. यू विल बी फीलिंग मच बेटर, और गुस्सा ये सारी चीजें जैसे मुझे बहुत आता था पहले, बट नाउ आई हैव कंट्रोल्ड दैट. ओके, तो विपसना करिए, विपसना भी आपका एक मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशंस ओनली. ओके, तो विपसना जो होता है ना, 10 दिन का कोर्स होता है, तो यू कैन डू दैट फॉर कंट्रोलिंग योर इमोशंस. और ओके, बुद्ध नहीं बन पाएंगे, लेकिन बोधिसत्व तो बन ही जाएंगे, है ना. तो ये आप करके देख लीजिए, गौतम बुद्ध नहीं बन सकते हम लोग, क्योंकि ही इज ओनली वन, बट बोधिसत्व तो बहुत सारे हैं, आज भी हैं, है ना, तो दे एग्जिस्ट. तो ऐसा आपको ट्राई करना चाहिए, विपसना इज गुड, वेरी गुड. तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए, एंड ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. अब आगे की तरफ देखें, अब आगे कुछ नहीं मिलेगा यार, आई डोंट थिंक कि आगे कुछ ऐसा मिलेगा के, बिकॉज आई हैव रेड दिस एंटायर थिंग. या ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.